हेलो प्यारे बच्चों, आज डेट 13 अप्रैल 2020 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीस्केप। पहले मैंने आपको लास्ट टॉपिक क्या कराया था, लैंडस्केप। लैंडस्केप में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लैंड मतलब स्पेस धरती और उसके जो सीनरी आप कहते हैं उस तरह का। सीस्केप, सी मतलब समुद्र, स्केप मतलब एक एरिया जो हमने एक सीन लिया, ठीक है। ये भी एक सीनरी आप इसे भी कहेंगे, लेकिन इसमें क्या है, हम सी सोर्स जो हमारे समुद्र के किनारे होते हैं या समुद्र के आसपास का एरिया होता है उसको बनाएंगे। तो इसमें सी स्केप को हम आज सीखेंगे। तो हम देखें, आपने जैसे बहुत सारे बच्चों ने शायद समुद्र अभी नहीं देखा होगा, टीवी में ही देखा होगा और पेंटिंग्स में ही देखा होगा, और कुछ बच्चों ने देखा भी होगा। तो जैसे उसके पास होते हैं एक तो नारियल के पेड़ और बहुत बड़ा दूर तक दिखता हुआ समुद्र, और किनारे पे जहाँ घूमने की जगह होती है बीचेस पे कुछ चेयर्स और शेड के लिए अम्ब्रेलाज लगे होते हैं। तो उसको शुरू करते हैं। शुरू करते हुए पहले सबसे पहले डेट और उसके बाद हम टॉपिक डालेंगे अपना सीस्केप। और जैसा कि मैं बार बार आपको बताती हूँ, हमको ये आउटलाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है, इसमें आउटलाइन। और आप ये देख रहे होंगे ये पेपर मैं आज जो यूज़ कर रही हूँ, जो लैंडस्केप हमने बनाया था वो लैंडस्केप हमने बनाया था हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब जब आप अपनी ड्राइंग शीट को ऐसे यूज़ करते हैं, और वर्टिकल मतलब जब आप अपनी ड्राइंग फाइल को ऐसे यूज़ करते हैं वर्टिकली, ठीक है। तो आज हम ये वर्टिकल ड्राइंग करेंगे। सबसे पहले हम दो पार्ट करेंगे इसके। तो स्काई का पार्ट हम कम दिखाएंगे, ये हमने एक लाइन बना दी स्काई के लिए, और नीचे ये हमारा समुद्र का पार्ट है, सी का पार्ट है, और ये हमारी लैंड है जिसमें हमने थोड़ा सा बीच रेत का दिखाएंगे। समुद्र किनारे का एक सीन बना रहे हैं, जैसे हम बहुत ईजी इसको बनाने वाले हैं, नारियल का पेड़ जो साइड से दिख रहा है, ठीक है, उसकी सिर्फ हमें लीव्स दिख रही हैं। और यहाँ पे हमने एक अम्ब्रेला बना दिया है, दो चेयर्स बना दिए हैं इसके लिए, जिससे कि हमारा एक बीच का सीन हो जाए। और यहाँ आप देख रहे होंगे किनारे से हमने ये ड्रॉ किया है, जो हमारा इधर का एरिया है वो मिट्टी वाला है, रेत वाला है। आइए इसमें कलर करना सीखते हैं। सबसे पहले हम स्काई में कलर करेंगे। स्काई में हमने ये स्काई ब्लू कलर ले लिया है, आप क्रेयॉन, ऑयल पेस्टल, पेंसिल कलर जो भी है आपके पास वो ले लीजिए। और मैं यहाँ पे लाइट लाइट स्काई कलर करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और ये स्काई वाला कलर आप शुरू करेंगे, मैं भी इसको कर रही हूँ। और ये देखिए हम लाइट लाइट, ठीक है, स्काई का कलर हम लाइट लाइट करते हैं। और ये देखिए मैंने एक लाइट कलर का स्काई ड्रॉ कर लिया है, जहाँ तक हमने स्काई के लिए एक लाइन ड्रॉ की थी। और ये जो ट्री है इसके ऊपर भी हमने कलर कर दिया है, क्योंकि हम जो ट्री है वो ऊपर से बनाएंगे, ओके। अब नेक्स्ट कलर समुद्र के लिए, अब जो हम सी के लिए कलर ले रहे हैं वो लेंगे डार्क ब्लू, डार्क नेवी ब्लू कलर, और इसी के नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम डार्क करते हुए चलेंगे और नीचे लाते लाते उसको लाइट करेंगे, फिर उसमें लाइट स्काई ब्लू कलर भी मिक्स करेंगे। तो ये जो लाइन है, हमने जो लाइन ली जहाँ तक हमें समुद्र और स्काई को, सी और स्काई को मिलते हुए दिखाना है एक होरिजन लाइन पे, जहाँ पे दोनों, जब हम सी सोर्स पे होते हैं तो जब हम समुद्र को देखते हैं तो एक लाइन ऐसी दिखती है सामने कि समुद्र और जो हमारा स्काई है, जो सी और स्काई है, वो आपस में मिल रहे हैं। तो वहीं पर हमें ये डार्क कलर यूज़ करना है। अब आप देख रहे होंगे मैंने ये समुद्र में डार्क से शुरू करते हुए और लाइट करते करते मैं यहाँ तक लाई हूँ, ठीक है। हमने ये डार्क से शुरू किया और लाइट करते करते, अब इसमें हम लाइट स्काई ब्लू का भी यूज़ करेंगे, जो यहाँ से मिक्स करते करते और यहाँ तक लाइट स्काई ब्लू में आएंगे। ये देखिए अब मैंने ऊपर स्काई, नीचे जो हमने सी बनाया वो डार्क करते करते हम यहाँ तक लाइट ले आए हैं। अब ये जो पार्ट बचा है कॉर्नर में, इसको हमें सैंड बनाना है, सैंड का पार्ट। समुद्र किनारे रेत भी होती है तो हमें ये सैंड का पार्ट बनाना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा येलो ओकर कलर, ठीक है, ये वाला येलो ओकर कलर। ये देखिए ये हमने सैंड बना दिए, तो हमारे थ्री पार्ट कंप्लीट हो गए हैं इसके, स्काई, सी एंड सैंड।
जो लैंड का पार्ट है सैंड। अब हमारा बसता है जैसे यहाँ पे ट्री, ये अम्ब्रेला और ये हमारी दो चेयर्स, ठीक है, जो रेस्ट चेयर होती हैं वो बीच पे, वो हमने ये बनाई है। अब बच्चों आप देख रहे होंगे सब कुछ बहुत लाइट लाइट है, अब हमें इसमें कुछ ब्राइट करना है। तो एक तो हम इसको कलरफुल बनाएंगे, ब्राइट करने के लिए इन चेयर्स में ब्राइट कलर करेंगे, और ट्री तो हमारा एज यूजल ग्रीन ही होगा, तो ग्रीन में लाइट और डार्क शेड का यूज़ करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करेंगे। ये देखिए, पहले तो हम ये जो लाइन्स हमने ड्रॉ की थी, ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और ये लाइन पूरे में ड्रॉ कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ से ये लाइन, ये देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब लीव्स, जो नारियल ट्रीज पे लीव्स होती हैं वो ऐसे होती हैं, ठीक है, नीचे को झुकी हुई हैं, तो इन सब में लाइट लाइट कलर से पहले इसकी लाइंस ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही इसमें करेंगे, ये देखिए ये हमने लाइट कलर की ड्राइंग कर ली है। अब इसके बाद हम लगाएंगे इसमें कुछ डार्क ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन में भी पहले डार्क ग्रीन लाइंस करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर से करना है क्योंकि ये क्रेयॉन है, प्लास्टिक क्रेयॉन, ये देखिए, ऐसे अब हम इसको सारी लीव्स को करेंगे, ये इसमें हमें लाइन भी करनी है, ठीक है, और नेक्स्ट ये देखिए, अब हमने डार्क कलर भी लगा लिया, हमारी पेंटिंग थोड़ी सी ब्राइट होनी शुरू हो गई है ना, ये ग्रीन कलर लगाने के बाद। अब हम अम्ब्रेला में कलर करेंगे, इसमें हम कुछ कलरफुल कलर लेंगे, कलरफुल अम्ब्रेला करेंगे हर पार्ट को डिफरेंट कलर से, इससे हमारी पेंटिंग ब्राइट भी लगेगी और सुंदर भी लगेगी। सारे कलर आप ले सकते हैं, पिंक लिया, ऑरेंज लिया, रेड लिया, ऐसे अब मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से फिल कर। ये देखिए मैंने कितना ब्राइट अम्ब्रेला बना दिया, अब दो कलर्स ऐड होने से हमारी पेंटिंग और ब्यूटीफुल लग रही है। तो अब इसके बाद चेयर्स की बारी है, इनको भी मैं ब्राइट, मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, आप जो चाहें इसमें जो आपको अच्छा लगे वो कलर यूज़ कीजिए। ये देखो बच्चों, ठीक है, अब हमारा कलर का काम पूरा हो गया ऑलमोस्ट, एक ब्राइट सी पेंटिंग हमारी तैयार हो गई है जिसमें कूल वार्म कलर सब हैं, और ये हमें समुद्र के किनारे का एक एहसास देती है, ठीक है। अब एक लास्ट वर्क, हम इसमें ब्लैक आउटलाइन करेंगे पूरी ड्राइंग में, जिससे ये इसको और खूबसूरत बना देगी। चलिए ब्लैक आउटलाइन करते हैं। ये देखिए बच्चों कितनी खूबसूरत बन गई है ये पेंटिंग हमारी, आई होप आपने इस पेंटिंग को इंजॉय किया होगा, और बहुत ही अच्छे से आप इसको बनाएंगे, और मैं वेट करूँगी कि आप बना के मुझे पिक्स भी सेंड करेंगे इसकी, सारे बच्चे से बनाएंगे। आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे बोट ऐड कर सकते हैं, छोटी छोटी नाव ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तीन बर्ड्स को ऐड किया है ना, और ब्लैक आउटलाइन करने से ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी बन गई है। ओके, बाय बाय बच्चों।